बटाला सीट से अजय कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारिया, पर इस सीट से कैबिनेट मंत्री त्रिपत बाजवा ते अश्विनी सेखड़ी विचाले जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस दे वल्लों उम्मीदवारां दी पहली सूची जारी कर दित्ती गई है। मालवे ते दुआबे तो बाद हुणे बगावत माझे विच पहुंच गई है। बागेश्वर बटाला सीट तो दिखे ने जिसका हाले ऐलान नहीं होया, पर कांग्रेस दे दो आगू इस सीट दे लई मुड़ तो आमो सामने हुंदे नजर आए ने। टसल पुरानी है अते इसे टसल विचाले त्रिप्त बाजवा दे धड़े ने इकट्ठ किया, जिस विच दावा किया गया कि 80 पिंडां दे सरपंच ते 32 कौंसलरां ने अश्विनी सेखड़ी का विरोध करदिआं बाजवा परिवार नूं टिकट देण दी मंग कीती है। समर्थकों ने यह भी कहा कि जे पार्टी कैबिनेट मंत्री बाजवा नूं टिकट नहीं दिंदी तां इसदा अंजाम कांग्रेस नूं भुगतना पै सकदा है। अज असीं सारे वीर इकट्ठे इस करके होए हाँ भी असीं चाहुंदे हां भी बटाले दे विच सरदार तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा इलैक्शन लड़न। समर्थकों के इकट्ठ दे विच हाईकमान नूं दो टिकटां देण दी भी मंग कीती गई है। नाल ही तृप्त रजिंदर बाजवा ने कहा कि एक परिवार दो टिकटां दा फार्मूला हाईकमान दा है जो लोगों की मंग ते बदलिया भी जा सकता है। मेरे बटाले हल्के दे सारे कौंसलर मजॉरिटी कौंसलर 95% सरपंच आए ने, ये दबाव बना रहे ने मेरे वास्ते भी तुसी तुहाडे तुही जां तुहाडे परिवार च कोई जी इत्थे बटाले च लड़े। उधर बटाला सीट दे लई दावेदारी ठोक चुके साबका विधायक अश्विनी सेखड़ी ने पलटवार करदिआं कहा कि मंत्री बाजवा अपनी सीट छड्ड के क्यों भज रहे ने। नाल ही कहा कि पंजाब कांग्रेस प्रधान सिद्धू मेरे हक दे विच रैली कर चुके ने अते इस दौरान 15,000 लोगों ने मेरे समर्थन विच हामी भरी सी। अपना कौंसलर साहबान ने सारे अपने कांग्रेस के लोग ने अपने साथी ने उन्होंने मंत्री ने बुलाया और चले गए उत्थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पैंदा। इत्थे पिछे वर्कर्स की मीटिंग हुई सी, साडे अध्यक्ष आए सन सिद्धू साहब, 15,000 तो वध लोग इकट्ठे होए। सिद्धू साहब ने पूछा कांग्रेसी वर्करां नूं कि तुसीं दसो अश्विनी सेखड़ी नूं चाहुंदे हो, ते 15,000 बंदिआं ने 30,000 हत्थ खड़े करके कहा कि साडा कैंडिडेट अश्विनी सेखड़ी है। सेखड़ी ते मंत्री बाजवा दी टसल पुरानी है अते हुणे लड़ाई होर भी तेज हो गई है। बाजवा परिवार दो टिकटां वाले फार्मूले नूं बदलन दी मंग कर रहा है। असल विच तृप्त बाजवा बटाला सीट तों अपने बेटे नूं लड़वाउणा चाहुंदे ने। हालांकि हाईकमान ने 2017 दे फार्मूले नूं अगे वधाउंदे होए एक परिवार दे विच एक ही मैंबर नूं टिकट देण दा फैसला कीता है। कांग्रेस हाईकमान दे लई इह मुश्किल सिर्फ बटाला तों नहीं सगों सुल्तानपुर लोधी बसी पठाणा सीट तों भी सामने खड़ी है। बटाला तो बिशंबर बिट्टू, न्यूज 18। आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान नूं सीएम चेहरा ऐलान दिता है। हुण मान दे चेहरे नाल पार्टी 2022 दी चोण लड़ेगी। मान दी चोण लोकां दी वोट नाल कीती गई है, इह दावा केजरीवाल ने कीता। पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए, जिस पल का इंतजार 2017 दी विधानसभा चोणां तों पहला कीता जा रहा सी, उस पल का इंतजार केजरीवाल ने 2022 दी चोणां तों पहला खत्म कर दिता। पंजाब नूं आम आदमी पार्टी का सीएम फेस दे दिता है। केजरीवाल ने भगवंत मान नूं 2022 दी चोणां दे लई आप वल्लों सीएम चेहरा ऐलानिया। सब पासे ताड़ियां दी गूंज सी, भगवंत मान भावुक हो गए सन। तां नाल खड़े अरविंद केजरीवाल, जरनैल सिंह, राघव चड्डा ते हरपाल चीमा ने भगवंत मान दे नाल गलवक्कड़ी पाई ते हौसला अफजाई कीती। सीएम फेस ऐलाने जाण तों बाद भगवंत मान ने कहा कि उह पंजाब दा रुतबा पहलां वाला बहाल करनगे। अते नाल ही कई शख्सियतां नूं याद करदिआं भगवंत मान ने दावा कीता कि जेकर हरा पैन मिलिया तां लोड़वंदां दे हक विच चलेगा। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤਰਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਪੈਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਚਮਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ। आपदे वल्लों सीएम चेहरे दे लई एक नंबर जारी करके लोगों की राय मंगी गई सी। सीएम चेहरे दे फार्मूले का जिक्र करदिआं आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने दस्या